देखकर माय फेस लाइक इतना स्ट्रेस एंड ठीक है. सो नाउ वेयर आई एम गोइंग फॉर हाइड्राफेशियल. या फॉर द फर्स्ट टाइम. ओ माय गॉड, आई एम सुपर एक्साइटेड. एंड इट्स अ गुड क्लिनिक. अभी दिवाली आने वाला है तो सो यस गाइस, चलो आई विल मीट यू इन द क्लिनिक. एट द क्लिनिक व्हाटएवर, कुछ भी ग्राम रब लगा लो. Because I'm lost now. Grammatical mistakes. Right. So guys, I have reached. Okay, so मैं काफ़ी सारे अपने experiences voice over में आप सबके साथ share करूँगी. So फिलहाल के लिए मैं shop ढूँढ रही थी, like clinic ढूँढ रही थी, and finally मुझे मिल गया. So clinic का नाम है Skin Bar, D Skin Bar या फिर K Skin Bar, ऐसे आप ढूँढोगे तो आपको Instagram पर भी मिल जाएगा. मैंने Instagram पर ही देख कर मैं गई थी यहाँ पर. सो सबसे पहले तो उन्होंने मेरा फेस क्लीन किया था विथ मेकअप रिमूवर, विच आई लाइक द मोस्ट. एंड आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं कि ऑफकोर्स लोग मेकअप लगाते हैं या फिर बाहर से आते हैं तो मेकअप रिमूव करना होता है. सो दे डिड दैट. एंड देन उसके बाद उन्होंने मेरे हेयर के ऊपर बैंड लगाया है ताकि हेयर डिस्टर्ब ना करे इन द प्रोसीजर. उसके बाद शी यूज्ड ग्लव्स पूरे एंटायर प्रोसीजर में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एंड सब कुछ अच्छे से सैनिटाइज करके वो यूज़ करे थे मेरे ऊपर, विच वॉज अ प्लस प्लस पॉइंट. एंड मैं आपको अपनी स्किन बिफोर दिखा रही हूँ. आई डोंट नो वॉट हैज़ रिएक्टेड टू माई स्किन. इतना ज़्यादा ब्रेकआउट्स मुझे, एक जाता है तो एक आता है, बट फिलहाल तो दोनों चीक्स पर आए हैं, ऐसे चुटकी की तरह मेरे स्किन दिख रहे हैं. ब्लैक कैट्स एंड ऑल तो निकल जाएंगे ना. और ये नोज का पार्ट, ये पार्ट ये भी नहीं छूंगी क्योंकि ये बस पॉप अप होने वाला है. ये इधर पे है, वो सब निकल गया. ये भी इधर ना. हाँ, नीचे का भी सब. ओके, एज यू हर्ड द कॉन्वर्जेशन, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो कौन से एरियाज लाइक जहाँ जहाँ ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, वो टच करेंगे. एंड जो एक्टिव पिंपल है, शी सेड जो एक्टिव एक्ने है वो टच नहीं करेंगे बिकॉज इट कैन इन्फेक्ट मोर और स्कार्स हो सकते हैं. बट आप आगे देखना कि क्या होता है. सो सबसे पहले उन्होंने मेरे फेस पर स्प्रे किया है वाटर एंड देन शी यूज्ड अ क्लेंजर. नेक्स्ट आप देख सकते हो शी इज़ गोइंग टू यूज़ दिस ब्लैक हेड रिमूवल टूल. पहले तो वो पिन जैसा राउंड सा आता था, बट अभी ये न्यू यू नो टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं आप, हर जगह सब लोग यूज़ कर रहे हैं. सो शी इज़ गोइंग टू यूज़ दिस, बट पहले उन्होंने इसे सैनिटाइज किया है जो कि अमेजिंग है. येस, यू हर्ड द साउंड. सो ये मशीन कुछ ऐसा साउंड करता है. सो ये स्टेप टू है अच्छे से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और जो भी प्रॉब्लमैटिक एरिया है लाइक एक्टिव एक्ने शिल नॉट टच. बट देन उसके बाद उन्होंने अपने फिंगर से दोनों कॉटन को रैप करके उन्होंने पॉप किया था मेरा लेफ्ट साइड वाला, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी बिकॉज शी सेड ये बहुत ही ज़्यादा पॉप होने आ गया है. अब क्या करेंगे? सो स्टेप थ्री इज पैक. आई नो पैक तो लास्ट स्टेप होता है, बट ये प्रोसीजर जो हाइड्रोफेशियल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. अभी और एक पैक लगाएं. अभी 15 मिनट्स. पैक तो लास्ट में लगता है ना. हाँ, बट इसका थोड़ा प्रोसेस अलग होता है. हाइड्रा का? हाँ, हाइड्रा कोरियन का. अगेन स्टेप फोर भी पैक ही है. सो फर्स्ट स्टेप थ्री में जो पैक उन्होंने यूज़ किया था उसके बाद मैंने 15 मिनट्स वेट किया. एंड देन स्टेप फोर एक वेजिटेबल पैक था जो कि मैंने उनको पूछा. सो उसके बाद भी हमने 15 मिनट्स वेट किया. ये कौन सा पैक है? ये वेजिटेबल पैक. ये पूरे प्रोसीजर में हमें 1 hour 40 to 45 minutes लगता है. सो ऑलमोस्ट 2 hour आप पकड़ के चलो बिकॉज वेटिंग टाइम ही ज़्यादा होता है. लाइक आई थिंक 3-4 बार हमें 15 minutes वेट करना होता है, तो ऐसे ही 45 to 60 minutes वेट ही करना होता है. और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो हर एक स्टेप स्टार्ट करने से पहले वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो क्या करने वाले हैं, और मैं कुछ भी अगर उनको पूछ रही थी तो वो मुझे बता रही थी. और मैंने काफ़ी ऐसे क्लिनिक्स में देखा है कि वो लोग नहीं बताते कि क्या स्टेप है क्या है, बट वी डिज़र्व टू नो बिकॉज हमारे स्किन पर क्या जा रहा है हमें जानना ज़रूरी होता है. सो शी वॉज एक्सप्लेनिंग इट ब्यूटिफुली. इसमें टोटल कितने स्टेप्स होते हैं हाइड्रा में? ये भी अपना है 4th स्टेप, राइट? अभी फिर हाइड्रा का टोन, फिर मसाज, फिर मोल्ड मास, फिर ऑक्सी जेट.
अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या ये फेशियल आप करा सकते हो. सो मैं आपको बताऊंगी कि ये फेशियल कौन कौन करा सकता है. सो फर्स्टली, अगर आप ब्राइड हो, आपकी शादी होने वाली है, तो आप डेफिनेटली करा सकते हो. और अगर आपकी फेस डिहाइड्रेटेड हो गई है, लाइक मॉइस्चर लॉस है, एंड आपको ग्लो चाहिए आपके फेस पर, तो आप ये फेशियल डेफिनेटली करा सकते हो. सो यस, हाइड्रा टूल कुछ इस तरह साउंड करता है. सो हाइड्रा टूल के पहले उन्होंने वाटर या फिर कुछ तो मेरे फेस पर स्प्रे किया था. आई थिंक दैट वाज वाटर ओनली. तो उसके बाद वो ये टूल लेकर, जो आप देख सकते हो उनके हैंड पर है, उससे वो लाइन बाय लाइन जा रहे हैं फॉर द सक्शन प्रोसीजर. सो आई थिंक इससे सक्शन भी होता है एंड जो वाटर या फिर सीरम होता है वो इन्फ्यूज़ होता है हमारे स्किन में. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यस, ये कुछ ऐसा ही प्रोसीजर है. आफ्टर दिस स्टेप फेस थोड़ा सा रेड हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक सक्शन हो रहा है तो ब्लड फ्लो भी अच्छा होने लगता है एंड यू कैन सी द ब्यूटिफुल ग्लो. सो ये वाला पिंपल उन्होंने पॉप कर दिया था. सो येस, आफ्टर हाइड्रा टूल उन्होंने मेरे फेस को अच्छे से वाइप किया है एंड यू कैन सी फेस थोड़ा सा रेड रेड लग रहा है. सो हाइड्रा टूल के बाद स्टेप 6 होता है फेस मसाज. काफ़ी अच्छे से उन्होंने फेस को मसाज किया है एक क्रीम यूज़ करके या फिर सीरम था. आई थिंक हाइड्रा मीन्स वाटर गाइस. सो ये जो फेशियल होता है वाटर यूज होकर ज़्यादा होता है. एंड आई वुड से वन थिंग कि डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट इन वन गो. इफ़ अगर आपकी स्किन यू नो प्रॉब्लमैटिक है, लाइक एक्ने है, ब्लैक हेड्स है, तो एक ही बार में रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करो. अगर आपकी स्किन में इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं, तो आप वन गो में आप ग्लोइंग स्किन एक्सपेक्ट कर सकते हो. मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी, स्पेशली माई फोर हेड, माई चीक एरिया बहुत बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी. सो अगर आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, फॉर एग्जांपल एक्ने वगैरह नहीं है, और अगर आप ये फेशियल कराते हो, तो आपकी स्किन काफ़ी हद तक ग्लोइंग हो जाएगी. एंड ये प्रोसीजर आप अपने इवेंट से 10-15 डेज या फिर 20-21 डेज पहले कराओ, बिकॉज यू नो आपको अपने फेशियल को वर्क करने के लिए, उसका ग्लो दिखाने के लिए थोड़ा वक्त देना होगा. ऐसा मत कराओ कि परसों शादी है तो आप आज जाकर करा रहे हो. सो डोंट डू दैट. 15 डेज पहले प्रायर ये सब कराना चाहिए. और अगर आपकी शादी को 2-3 महीने हैं या फिर 4-5 महीने हैं, सो आप इसे 2-3 बार भी करा सकते हो, लाइक 21-1 मंथ का गैप देकर. सो आपकी स्किन एकदम अच्छे से ग्लोइंग हो जाएगी. वाओ, मोल्ड मास्क तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग था. इतना ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट था फेस पर, ऐसा लग रहा था किसी ने आइस रखा हुआ है, बट वेरी अच्छे वे में. बहुत ज़्यादा कूलिंग था. एंड कैन यू सी माई स्किन गाइस, कितना ब्यूटिफुल लग रहा है ये. एंड यू कैन सी द ग्लो ऑन माई चीक्स एंड ऑन माई फोरहेड. बहुत ही अमेजिंग था. मुझे मोल्ड मास्क स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है. मैंने उनको बोला कि आप मेरे आइस पर भी लगाओ. सो शी सेड ओके. तो आइस पर भी उन्होंने लगाया. द लास्ट स्टेप ऑफ हाइड्रा फेशियल इज ऑक्सीजेट टूल. आप देख सकते हो ऐसा टूल यूज़ होता है और इससे ना पतला लाइन एक वाटर का आता है. सच बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा फेस पर लगता है, ऐसा लगता है नीडल लग रहा है किसी किसी एरिया में. तो ओ माई गॉड, मतलब थोड़ा सा तो मुझे फील हो रहा था कि यार कुछ तो हो रहा है एंड आई वॉन्टेड इट टू स्टॉप, बट आई नो ये मेरे फेस के लिए कुछ अच्छा ही करने वाला है, सो आई कुड बेयर इट. इतना ज़्यादा भी यू नो ऐसा नहीं था कि अनबेरेबल है. सो यस गाइज, ये ऑक्सी टूल है और इसी टूल के वजह से जो मेरे राइट साइड का पिंपल है वो भी पॉप हो गया था, बिकॉज वो इतने प्रेशर के साथ होता है कि वो पिंपल भी पॉप हो गया. एंड थैंक गॉड वो पॉप हुआ. तो दोनों भी जो पिंपल थे दोनों चीक्स पर मेरे, एक दो दिन में वो एकदम ड्राई हो गए और मेरी स्किन यू नो क्लियर हो गई. सो यस, इसके लिए मैंने आपको बोला कि आप ये सब जो ट्रीटमेंट्स है, हाइड्रा फेशियल या फिर कोरियन फेशियल भी ये लोग करते हैं, तो मैं इनके पास जाने वाली हूँ आफ्टर 21-25 डेज कोरियन फेशियल कराने. वो भी फर्स्ट टाइम होगा, तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो कैसे होता है. और मैंने सुना है कि हाइड्रा फेशियल से भी ज़्यादा बेटर कोरियन फेशियल होता है. ट्रस्ट मी गाइज, हाइड्रा फेशियल ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट उससे भी अच्छा अगर कोरियन है तो मैं वो भी कराऊंगी. उसमें भी कुछ 8-9 प्रोसीजर है और दोनों ही फेशियल के, लाइक हाइड्रा फेशियल और कोरियन फेशियल के, सेम ही प्राइसिंग है. आई थिंक ये मैंने 2700 में कराया था, तभी ऑफर चल रहा था, बट आई एम नॉट श्योर कि अभी भी ऑफर चल रहा है या नहीं. के स्किन बार करके इनका इंस्टाग्राम पेज है, आप चेकआउट कर सकते हो. अगर मुझे मिलेगा तो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. सो येस गाइज, मैं कोरियन भी कराने जाऊँगी. डू लेट मी नो अगर आप वो भी फेशियल देखना चाहते हो या नहीं.
कैन यू सी द प्रेशर, लाइक लिटरली मेरी स्किन पूरा बबल्स की तरह ऊपर नीचे हो रही है. लाइक जब माउथ में भी जा रहा था तो एकदम फुल जा रहा था मेरा माउथ, और बहुत ही फनी लग रहा था. मुझे तो हंसी भी आ रही थी कई जगहों पर. यहाँ पर मैं हंसने की कोशिश कर रही हूँ, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑक्सीजेट टूल. सो आई थिंक वो जो ऊपर से ऐसे कंटेनर टाइप है उसमें जितना वाटर होता है उतने टाइम तक ये लोग यूज़ करते रहते हैं इसके लिए, मुझे लगता है. फिर एंड में एकदम ख़त्म सा हो गया था, तो वो बस ऐसे स्प्रे कर रहे हैं एंड इट वॉज़ डन. उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई किया एंड येस, कुछ इस तरह मेरी स्किन दिख रही है आफ्टर फेशियल. उसके बाद मैं होटल गई थी खाना खाने के लिए, बहुत भूख लगी थी. 2 hours टोटल लगे थे. सो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे आफ्टर माय हाइड्रा फेशियल. सो ये जो दोनों भी पिंपल्स थे और दोनों चीक्स एकदम चुटके की तरह दिख रही हूँ मैं, तो वो ड्राई हो रहे हैं एंड माय फेस इज लुकिंग गुड. मैंने अभी सिर्फ सनस्क्रीन और थोड़ा सा पाउडर से सेट किया, अदरवाइज ऑयली है मेरा फेस. सो येस, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ अपने हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट की, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है. ये एक न्यू प्लेस भी था, बट उनके हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है. आप अपने एरिया में भी देख सकते हो, रिव्यूज़ गूगल पर पढ़ सकते हो, उनके इंस्टाग्राम पेज पर भी सर्च कर सकते हो. आजकल तो सब कुछ सोशल हो गया है, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा. सो ओवरऑल जो ये प्रोसीजर था हाइड्रा फेशियल का, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है एंड कुछ दिनों में मेरी स्किन काफ़ी अच्छी होने लगी है. मैं एक बार और कराने जाऊंगी जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया. सो येस, दिस इज़ हाउ माय एक्सपीरियंसेस. प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छा है, लाइक अफोर्डेबल है. 2 hours लगता है प्रोसीजर में, सो आई थिंक दैट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. एंड येस, दैट्स इट अबाउट टुडेज़ वीडियो गाइज. प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा मैक्सिमम लाइक देना. आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. फिर प्लीज़ लाइक दे देना एंड सब्सक्राइब अगर आप न्यू हो तो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल सो मच, बाय.